कांग्रेस तो कहती है राम हुए ही नहीं, ये तो राम पे विश्वास नहीं करते, ये कृष्ण पे विश्वास नहीं करते, ये कहते हैं कि राम के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, भूमि तो केवल वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए। ये बदनसीब है कांग्रेसी लोग जो अपनी विरासत को ही भूल गए हैं। राम को ही इन्होंने भुला दिया है, कृष्ण को भुला दिया है, तो भगवान राम ने भी और भगवान कृष्ण ने भी इनकी तरफ से मुंह फेर लिया है। बहनों और भाइयों, 5 सदी के बाद, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला अपनी पावन जन्मभूमि पर फिर से विराजमान हो गए हैं। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये काम हो पाता क्या? क्या ये कांग्रेस कर पाती क्या? कांग्रेस तो कहती है राम हुए ही नहीं, ये तो राम पे विश्वास नहीं करते, ये कृष्ण पे विश्वास नहीं करते, इनको चाहिए, कहते हैं कि राम के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, भूमि तो केवल वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए। और इसीलिए इन्होंने चांद मोहम्मद को टिकट बना करके पंचकुला को लूटने के लिए भेज दिया है। बहन और भाइयों, ये बदनसीब है कांग्रेसी लोग जो अपनी विरासत को ही भूल गए हैं। राम को ही इन्होंने भुला दिया है, कृष्ण को भुला दिया है, तो भगवान राम ने भी और भगवान कृष्ण ने भी इनकी तरफ से मुंह फेर लिया है। कहो जाओ, अपनी दुर्गति को प्राप्त हो जाओ। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि कांग्रेस को भी, देश ने भी, हरियाणा ने भी और यूपी ने भी 60 वर्ष से अधिक समय तक शासन करने का अवसर दिया था, प्रदेश में भी और केंद्र में भी। उन्होंने राम जन्मभूमि की सुध नहीं ली, आपके विकास की सुध नहीं ली, आपके लोक कल्याण की सुध नहीं ली, ये केवल अपना भरते रहे, अपने परिवार के नाम पर करते रहे, बाकी किसी के नाम से इनको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन बहनों और भाइयों, जैसे ही 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 17 में मोदी जी के आह्वान पर यूपी के अंदर सरकार बनी, अगले 2 वर्ष के अंदर, मात्र 2 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान कर दिया और अयोध्या में रामलला का विराजमान हो गया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।